हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। आखिर ये विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आप यहाँ तक आएंगे कैसे, तो मैं इन सबको कट कर देता हूँ। दोस्तों कैलेंडर वाले पेज तक पहुँचने के लिए आप सबसे पहले यहाँ स्टार्ट बटन पर आ जाइए और यहाँ से सेटिंग के ऊपर चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों नीचे अब आएंगे तो यहाँ पे देखिए नया कैलेंडर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने कैलेंडर के ऊपर जितने भी ऑप्शन आपको ये दिख रहे हैं इन सभी के ऊपर वीडियो बना दिया है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम कैलेंडर को ही कवर करने वाले हैं, तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैलेंडर का कुछ ऑप्शन आ गया है। तो दोस्तों यहाँ से आप डेट टाइम चेंज वगैरह नहीं कर सकते, यहाँ पर कैलेंडर से रिलेटेड कुछ सेटिंग की जाती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको चेंज का एक ऑप्शन मिलेगा, तो जैसे आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑन ऑफ का बटन हो गया। तो दोस्तों जैसे ही ये बटन ऑन होगा तो जो आपका डिवाइस होगा वो कैलेंडर को एक्सेस कर पाएगा, यानी दोस्तों अगर आपके डिवाइस में कोई कैलेंडर वगैरह है अगर वो आप ओपन नहीं कर पा रहे हैं या ओपन करते समय कोई एरर आ रहा है तो दोस्तों वो एरर इसी कारण होता है क्योंकि आपका ये बटन ऑफ होता है। तो इसको आप ऑन कर दीजिए, उसके बाद आपका जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह होगा वो आपके कैलेंडर को एक्सेस कर पाएगा। तो दोस्तों इस बटन को आप हमेशा ऑन रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन है अलाउ एप्स टू एक्सेस योर कैलेंडर, यानी दोस्तों हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है जो हमारे मतलब कैलेंडर की परमिशन को मांगती है, क्योंकि दोस्तों कैलेंडर की अगर उनको परमिशन मिल जाती है तो वो एग्जैक्ट टाइम पर और एग्जैक्ट लोकेशन के अनुसार आपको सजेशन वगैरह देती है और आपके कंप्यूटर के टाइमिंग के अकॉर्डिंग काम करती है। तो दोस्तों अगर आप उन एप्लीकेशन को कैलेंडर की परमिशन देना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको ऑन कर दीजिए। ऑन कर देंगे तो आपके कंप्यूटर में जो भी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल होगी वो आपके कैलेंडर को एक्सेस कर पाएगी और दोस्तों तभी वो अच्छे से रन कर पाएगी। अब दोस्तों हम अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगला ऑप्शन भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चूज विच एप्स कैन एक्सेस योर कैलेंडर। तो दोस्तों इसको पढ़ने ही से समझ में आ जा रहा है आखिर यह है क्या। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ यही लिखा हुआ है कि आप किस एप्लीकेशन को कैलेंडर की परमिशन देना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरे में अभी दो ही एप्लीकेशन दिख रही है, अगर आपने और भी ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखी होगी तो उनकी भी लिस्ट नीचे आ जाएगी। तो आप जिस भी एप्लीकेशन को कैलेंडर की परमिशन देना चाहते हैं दे दीजिए, अगर बंद करना चाहते हैं तो बंद कर दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको ये कैलेंडर वाला वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अभी मैं आपको आगे चल करके इसके नीचे जितने ऑप्शन है सबके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो आप चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों इस चैनल में मैं बहुत सारी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मेरा मोटिव था बस कैलेंडर को ही कवर करना, जो कि दोस्तों मैंने इसके अंदर लगभग सभी कम कवर कर ली। फिर भी दोस्तों अगर आपको कुछ और जानना है कैलेंडर के बारे में या किसी सेटिंग के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा बता दीजिएगा, मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।